न्यूज 18 इंडिया में दिखाते हैं 360 डिग्री व्यू। We will press the button and the building will come down in 12 seconds. सहयोगी अंकिता है, इसके अलावा आनंद तिवारी भी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए मेरे ठीक पीछे ये ट्विन टावर है और कहा जा सकता है कि 24 घंटे का इंतजार और, क्योंकि काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है काफी पहले और लोगों की लंबी तपस्या का अंत होने वाला है। ये ट्विन टावर महज एक बटन से 9 से 12 सेकंड का समय लगेगा जब धराशायी हो जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा, ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। और लोगों में उत्सुकता है, लेकिन लोग डरे हुए भी हैं कि उनके घर का क्या होगा। अगर घर उनका सुरक्षित रहा तो जो धूल का गुबार उठेगा उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ पर नोएडा प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। मैं तमाम पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये कंट्रोल रूम कल सुबह 6 बजे से ऑपरेट होगा जो 30 अगस्त तक काम करेगा। दरअसल किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक नंबर बकायदा जारी किया गया है जिसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये ट्विन टावर है, आप समझिए कि नीचे से यानी कि बेसमेंट से ब्लास्ट होगा और ये पूरी तरीके से साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक तरीके से इसका डेमोलिशन होने जा रहा है। उसके बाद फिर ऊपरी मंजिल तक आएगा। ये जो आप सफेद कलर का कपड़ा देख रहे हैं आसपास की बिल्डिंग्स को जिससे ढका गया है, ये एक स्पेशल मटेरियल है, जियो फैब्रिक पाइप होता है, यानी कि एक तरह से सेफ्टी शीट है कि अगर इससे कोई चीज टकराती है तो ये कपड़े को फाड़ती नहीं है और फिर ये रिवर्स हो जाती है, इसी वजह से इसको ढका गया है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कल सुबह 6 बजे से काम करेगा। 30 अगस्त तक ये कंट्रोल रूम काम करेगा जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी समस्या हो, आपातकालीन स्थिति हो, उसको लेकर के आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोएडा प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लोग डरे हुए भी हैं, लोग इस पल को देखना भी चाहते हैं। ये ऐतिहासिक होगा, नजीर इसलिए है कि जो बिल्डर्स अरबों का कारोबार करते हैं उनके लिए ये सबक होगा कि अगर आप भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारतों को खड़ा करते हैं तो फिर उसका अंत क्या होगा, ये कल दिखाई देगा। और ऐसे में ये जो जानकारी मिली है कि कंट्रोल रूम बनाया गया है, आपको बता दें कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स भी रिजर्व किए गए हैं, पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। जहाँ पर जिस फ्लाईओवर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यही फ्लाईओवर कल मीडिया के लिए रिजर्व रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि पूरा व्यू दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी और जो लोग भी यहाँ से आ रहे हैं वो यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, इसको कैद करना चाहते हैं, क्योंकि कल ये जो ट्विन टावर है ये नहीं दिखेगा, ये धराशायी हो जाएगा। और उसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई चलती है, लोगों की सालों की तपस्या है। लोग बताते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे हैं। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है 2014 में, उसके बाद उनके स्टे लग जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करा जाता है, तो ऐसे में लंबी तपस्या का अंत हुआ है। मेरी सहयोगी अंकिता भी है। अंकिता, कल ये धराशायी हो जाएगा, महज एक बटन से ये 32 माले की बिल्डिंग और 30 माले की बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। बिल्कुल, और एक क्लिक और ये 13 सालों में भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करी है वो धराशायी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये वही बिल्डिंग है एपेक्स और सियाने, देखिए ट्विन टावर की, ये दो टावर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कल, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, महज 24 घंटे बचे हैं और ऐसे में ये बिल्डिंग एक बटन से धराशायी हो जाएगी। लेकिन धड़ाम होगा भ्रष्टाचार का वो मंसूबा जो लगातार तमाम बिल्डर्स की ओर से बनाया जाता रहा है, धड़ाम होगा भ्रष्टाचार, साथ साथ अवैध कब्जे का मंसूबा, धड़ाम होंगे ये दोनों टावर्स और धड़ाम होगी इन टावर्स के बगल में रहने वाले जो तमाम लोग हैं सोसाइटी में, उनकी मुश्किलें भी, क्योंकि लगातार इस बिल्डिंग की वजह से मुश्किलें फेस करते रहे हैं। लेकिन साथ साथ देखिए ये तमाम लोग घरों के बाहर भी निकले हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। और ऐसे में डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि ब्लास्ट के बाद ये जो बिल्डिंग बगल में खड़ी है इसका मलबा बगल वाली बिल्डिंग को यानी कि उनकी बिल्डिंग को इम्पैक्ट करे और किसी तरह का नुकसान हो। पॉल्यूशन कितना होगा किसी को नहीं पता है। और आपको बता दें खुशी लेकिन लोगों में इस बात की है कि कानून तरीके से जो इमारत बनाई जा रही थी वो गिरा दी जाएगी, बिल्डिंग गिरेगी तो कितना धुआं और कितना धूल निकलेगा इसका अंदाजा हालांकि अभी तक नहीं लगाया जा सका है, लेकिन तैयारी पूरी है। एक डर इस बात का भी है कि भूकंप के हल्के झटके भी महसूस हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भूकंप के हल्के झटके तो नहीं लगेंगे,
लेकिन कंपन जरूर होगा, ब्लास्ट से धूल होगी, लेकिन कितना इसका कोई अंदाजा नहीं। नोएडा सेक्टर 93 के ट्विन टावर को अब धराशायी होने में महज कुछ घंटे का वक्त बचा है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं एक अवैध निर्माण को तोड़ने की और दो रिहायशी बिल्डिंगों को बचाने की। इस वक्त हम एमरल्ड कोर्ट के अंदर मौजूद हैं जहां पर 600 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं और उनके तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर का एरिया है एमरल्ड कोर्ट का, जिस सोसाइटी के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी इस अवैध निर्माण को तोड़वाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक वो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर की पॉलिथीन्स हैं उन्हें जो बाहर का पूरा ग्रीन एरिया है उसे कवर कर रहे हैं। ये काफ़ी महंगे टाइल्स हैं सोसाइटी के, इनको कोई डैमेज ना हो, ये टाइल्स जो हैं ख़राब ना हो, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा ये ब्लैक कलर की पॉलिथीन जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और देखिए आप भारी तादाद में पॉलिथीन जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, लाई गई हैं और इन्हें कवर किया जा रहा है। सामने जो क्लब है एमरल्ड क्लब, इसके जो शीशे हैं इसे भी इन पॉलिथीन से कवर किया जाएगा। सर ये क्या चीज़ है जो आई है यहाँ पर? ये बवाला सर। इससे क्या होगा सर? इससे शीशे झकेंगे बिल्डिंग के। अच्छा, कोई धमक लगे तो शीशे इधर टूटे, सामान इलेक्ट्रिशियन का नुकसान ना हो उसी से। देखिए ये इस तरह के फोम्स यहाँ पे लाए गए हैं जिससे कि जो कवर्स हैं शीशों का उनको किया जाएगा ताकि जिस वक्त ये धमाका होगा 9 सेकंड में उस वक्त जो एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी की जो बाहर का एरिया है, चाहे वो ग्लासेस हों या फ्लावर्स हों या ग्रीन एरिया हो, वो ख़राब ना हो। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं आरडब्ल्यू के तमाम मेंबर्स भी यहाँ पर हैं जो लगातार अभी बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे एरिया को कवर किया गया है। तो रिपोर्ट आपने देखी कि कितने किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। दरअसल नोएडा पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था कर दी है, रूट्स यहाँ पर डाइवर्ट रहेंगे और ये मेरे पीछे आप बैरिकेटिंग भी देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लाए गए हैं ताकि लोगों की एंट्री को यहाँ पर बैन किया जा सके। और अभी से यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं क्योंकि यही वो फ्लाईओवर है, यही वो सेपरेट जोन होगा जो मीडिया को डेडिकेटेड होगा। और इसमें ये जानकारी मिली है कि खुद पुलिस कमिश्नर से मुख्यमंत्री योगी ने बात की है, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ से बात की है और ये ट्विन टावर जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं ये नहीं रहेंगे। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर के भी उत्सुकता है कि कितना इसमें बारूद लग रहा है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3700 किलो बारूद का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, कितने लोग लगेंगे तो साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। चेन्नई से भी टीमें आई हैं, देश के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर के स्टडी की गई है और एडिक्स वो कंपनी है जो पूरी डेमोलिशन की जिम्मेदारी देख रही है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुपर टेक टावर से जुड़ी ही बड़ी खबर है। दो सोसाइटी में बिजली और गैस पाइपलाइन काटी जाएगी। एटीएस विलेज और सुपर टेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी के सुबह 6:30 बजे तक बिजली और गैस कनेक्शन की सप्लाई बंद होगी, देर शाम तक बंद रहेगी सप्लाई। करीब 1500 परिवार इन सोसाइटी में रहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुपर टेक ट्विन टावर से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि सुपर टेक ट्विन टावर से सटी दो सोसाइटी में बिजली और गैस पाइपलाइन काटी जाएगी। एटीएस विलेज और सुपर टेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी की सुबह 6:30 बजे तक बिजली और गैस कनेक्शन की सप्लाई बंद रहेगी, देर शाम तक ये बंद रहेगी। 1500 परिवार इस सोसाइटी में रहते हैं। जो ये मैं बात कर रही हूँ एमरॉल्ड कोर्ट और एटीएस उसकी, तो ये गैप काफी कम है, 9 मीटर का गैप है। ऐसे में एहतियातन ये बिजली कनेक्शन और गैस सप्लाई काटी गई है। अंकिता मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है। अंकिता, एहतियातन ये किया गया है क्योंकि अगर हम देखें जो मेरे पीछे टावर है और जो सोसाइटी में गैप है वो काफी कम है, मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। बिल्कुल, और आपको ये बता दें जसप्रीत की जो ट्विन टावर है लगाया जाएगा, इससे 19 मीटर की दूरी पे एक गैस पाइपलाइन है जिसको बाकायदा एक प्लेट के जरिए ढका गया है। तरह तरह की प्लेट्स वहाँ पर लगाई जाई हैं जिससे कि कोई ब्लास्ट ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लास्ट होता है और गैस पाइपलाइन तक वो ब्लास्ट जाता है तो तबाही बड़ी हो सकती है। लेकिन क्योंकि सवाल लगातार ये उठ रहा है कि काउंटडाउन उस बिल्डिंग में जो डेटोनेटर्स लगाए गए हैं, विस्फोटक लगाए गए हैं, वो कभी भी ब्लास्ट कर दिए जाएंगे अगले 24 घंटों में, जो समय रखा गया है 2:30 बजे का, तैयारी पूरी कर ली गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब क्योंकि 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में तमाम सतर्की सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा, ट्विन टावर्स को जमींदोज करने में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा, कितने लोग लगेंगे इसमें, क्या तकनीक अपनाई जाएगी, साथ साथ किस तरह की तबाही होगी, कितना धूल कंकड़ मिट्टी सब कुछ होगा, तमाम सवाल हैं। और इन सवालों के जवाब के जरिए हम आप तक आपकी जो सारी जिज्ञासाएं हैं वो इस पैकेज के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए।
कुछ सेकंड का धमाका, कुछ देर धमाके की गूंज, फिर धूल का गुबार, और उसी गुबार में गुम हो जाएगा ये ट्विन टावर। ट्विन टावर के मटिया मेट होने का क्लाइमैक्स महज कुछ सेकंड का भले ही लगे, मगर इसके पीछे की मशक्कत, मेहनत और तकनीक गजब की है। पहली बार देश देखेगा करप्शन के टावरों का खात्मा कैसे हुआ। हालांकि कम लोग जानते हैं कि ये कैसे किया गया। ये मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं। महीने भर से ट्विन टावर को गिराए जाने का ऑपरेशन चल रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र के नागपुर से हरियाणा के पलवल और उत्तर प्रदेश के नोएडा की खाक छानी गई। ऑपरेशन ट्विन टावर को सुपर सीक्रेट रखा गया। उसकी निगरानी में दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले लगे। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की तारीख पहले 21 अगस्त तय थी, लेकिन कुछ वजहों से तारीख 28 अगस्त तक बढ़ाई गई। इसे गिराने के लिए विस्फोटक नागपुर से खरीदा गया। विस्फोटक को नागपुर से लाकर हरियाणा के पलवल में रखा गया, और पलवल से नोएडा तक विस्फोटक की सप्लाई फिल्मी अंदाज में हुई। विस्फोटक से लड़ी दो गाड़ियां पुलिस स्कॉर्ट में पलवल से निकलती थी, जिसमें एक में विस्फोटक और दूसरे में डेटोनेटर भरा रहता था। इन गाड़ियों का पलवल से निकलने का वक्त और रूट बेहद ही सीक्रेट रखा जाता था, और नोएडा के सेक्टर 93 तक पहुंचने के लिए बेहद ही एहतियात बरती जाती थी। ट्विन टावर के पूरे एरिया में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए थे। बिना इजाजत किसी को भी इस पूरे एरिया में कदम रखने में मनाही थी। दिन भर ट्विन टावर में बारूद बिछाने के बाद बचे विस्फोटक को दोबारा पलवल भेज दिया जाता था। अपेक्स और सियान टावर में यही रूटीन पखवाड़े तक जारी रहा। बहुमंजिला टावर को विस्फोटक बनाने के लिए बड़े जतन करने पड़े। ट्विन टावर को गिराने के लिए इमारत में 325 किलोग्राम सुपर पावर 90 विस्फोटक, 63,300 मीटर सोलर कार्ड, 10,990 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 4 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लगाए गए, जिसके लिए टावर के हर कॉलम और बीम को वी शेप में काटा गया। इन्हीं काटी गई जगहों पर विस्फोटक भरे गए। ग्राउंड फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक एक्सप्लोजिव हर कोने में भरा गया। उसके बाद चार चार फ्लोर का गैप देकर विस्फोटक लगाया गया। विस्फोटक लगाने के लिए 10,000 सुराग दोनों टावर में बनाए गए। बटन दबाने के तुरंत बाद विद इन मिलीसेकंड्स द करंट विल अराइव एंड वहां पहुंच जाए करंट, और जो 9,250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा, सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड उसके अगले 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल क्लैश पर। इस काम में 6 विदेशी इंजीनियर, 10 इंडियन ब्लास्टर और कई मजदूर लगे। इस पूरे काम में 17,55,00,000 रुपए का खर्च आया। ट्विन टावर को विस्फोटक से लोड करने के साथ कई हिस्सों को इस तरीके से तोड़ा गया जिससे कि ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। विस्फोट के बाद जुड़वा टावर से 100 मीटर दूर पूरी टीम रहेगी, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, 3 ब्लास्टर्स और 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे। इन 6 लोगों के अलावा कोई भी एक्सप्लोजिव जोन में नहीं रहेगा। कंट्रोल डिमोलिशन तकनीक से देखते ही देखते ट्विन टावर सीधे जमीन में समा जाएंगे, जिसमें सिर्फ कुछ घंटे की देर है और एक बटन दबने का इंतजार, जिसके बाद भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े ये जुड़वा टावर नोएडा से ओझल हो जाएंगे। तो 9 से 12 सेकंड में भ्रष्टाचार की ये गगनचुंबी इमारत जमींदोज हो जाएगी। दरअसल जो रिमोट कंट्रोल बटन दबाया जाएगा वो 50 मीटर की दूरी से दबाया जाएगा, 100 मीटर की दूरी से दबाया जाएगा, और अब गिरने से जो है 50 मीटर तक कंपन होगी। अब मैं आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाती हूँ जिसके जरिए स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरीके से रिमोट बटन दबाया जाएगा महज 9 से 12 सेकंड में, क्योंकि जितना वक्त इसको बनाने में लगा, हालांकि अधूरी है, करोड़ों का खर्चा आया, लेकिन गिराना भी आसान नहीं है। इस वक्त आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। 9 सेकंड में ये भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग 28 अगस्त को जमींदोज हो जाएगी। ट्विन टावर में विस्फोट 100 मीटर दूर से किया जाएगा और गिरने से 50 मीटर में कंपन होगी। स्थिति को देखते हुए नोएडा पुलिस ड्रोन पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी आज से 31 अगस्त तक रहेगी। साथ ही टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, स्थिति पर पल पल की नजर बनाए हुए है। साथ ही टावर के पास सख्त सुरक्षा घेरा भी है, क्योंकि टावर में 3500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक लगा है,
और मेरे पीछे इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि जो ये विस्फोटक लगा हुआ है, दरअसल होल्स किए गए हैं, और जो होल्स किए गए हैं वो 9000 से ज्यादा होल्स किए गए हैं, उतना ही विस्फोटक भरा गया है जो एक कॉलम को गिरा सके। और ये पूरी बिल्डिंग में आपस में कनेक्शन भी है। इसके बगल में जो सोसाइटी है जिसका हमने जिक्र किया कि वहाँ पर गैस और पानी की सप्लाई बंद रहेगी, दरअसल ये 9 मीटर का गैप है। आप समझिए कि यहाँ पर मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। पुजारी जी, मैं आ रही हूँ। देखिए किस तरीके से लगातार हम आपको न्यूज दे रहे हैं इंडिया पर, देश की नंबर वन कवरेज दिखा रहे हैं किस तरीके से इस ट्विन टावर को, जो भ्रष्टाचार की इमारत है, उससे धराशायी कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से ये ट्विन टावर आपको दिखा दें, क्योंकि अगले 24 घंटे के बाद ये ट्विन टावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये लम्हा बेहद ऐतिहासिक होगा, और ऐसे में जो लोग क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 9 सेकंड्स में ये भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग 28 अगस्त को जमींदोज हो जाएगी, 100 मीटर दूर से किया जाएगा। और लगातार इसको लेकर तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि धूल कितना होगा, कंकड़ कितना होगा, तबाही कितनी बड़ी होगी, क्या प्रशासन कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगा, कंपन को लेकर, भूकंप को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। और उसको लेकर जो जवाब है वो आइए आप आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाते हैं। हाईटेक तकनीक से यूं धड़ाम होती हाई राइज बिल्डिंगें, ऐसा दृश्य दिखता है कि कलेजा थर्रा जाए। धमाके के साथ धरती हिल जाती है, धूल के गुबार से इलाका ढक जाता है। ट्विन टावर के साथ भी ऐसा ही होगा। बारूदी धमाके का झटका पहले इमारत को झकझोर देगा, फिर भरभराकर पूरा मलबा जमींदोज हो जाएगा, मगर इस बीच धरती कांप उठेगी। ये भूचाल रिक्टर पैमाने पर एक तीव्रता तक का हो सकता है। ऐसा भूकंप आया तो नोएडा के सेक्टर 93 की कितनी सोसाइटी जद में आएंगी, कितने फ्लैट्स में हाहाकार मचेगा, इसे जानिए। ट्विन टावरों के दो सबसे करीबी सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज है। ये दोनों सोसाइटी क्रिटिकल जोन में है, इसलिए एहतियातन रविवार की सुबह ये सोसाइटी खाली करवाई जाएंगी। यहाँ के 5000 निवासी, उनकी 2700 गाड़ियां और करीब 200 पालतू जानवरों को निकाला जाएगा। लेकिन ट्विन टावर के पास दूसरी भी कई सोसाइटी हैं। इसमें पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सिल्वर सिटी सोसाइटी है, जिसमें हजारों परिवार रहते हैं। एस्टर 2 सोसाइटी भी ट्विन टावर से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ के निवासियों को अनहोनी का भय सता रहा है। डर ये हो रहा है कि मतलब कुछ अनहोनी ना हो जाए। हमारा तो ये है ना, इधर दाएं गिरे ना बाएं गिरे, धड़ाम से नीचे गिरे। भूकंप के भय के साथ सोसाइटी के लोगों को ट्विन टावर के मलबे से उड़ने वाली धूल से भी खतरा है, क्योंकि धूल पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। जितनी तेज हवा होगी धूल उतनी दूर तक फैलेगी। हालांकि इन सभी आशंकाओं को ट्विन टावर गिराने में जुटी टीम खारिज कर रही है, क्योंकि सभी काम वैज्ञानिकों की निगरानी में किए जाने का दावा किया गया है। ट्विन टावर विध्वंस की निगरानी के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भी मुस्तैद है। जहाँ से वाइब्रेशन पैदा हो रहा है वो जमीन में कैसे ट्रैवल कर रहा है और कितने दूर पे किसका क्या इफेक्ट है, हर जगह पे रेडियली हम लोग पूरा सेस्मोग्राफ्स बिछा रहे हैं। करीब करीब 20-25 सेस्मोग्राफ हम बिछाएंगे बिल्डिंग्स का, उसके बाद बिल्डिंग और उसके बाद जो सराउंडिंग बिल्डिंग है, एक तो ये जमीन हो गया, बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर में वाइब्रेशन कैसे मूव कर रहे हैं, जो बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे वाइब्रेशन कैसे मूव कर रहे हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद विजुअली हाई स्पीड वीडियो कैमरा थर्मल सेंसर से, क्योंकि हमको ये है कि थर्मल से ज्यादा अच्छा डाटा मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारे कवरेज होगा। और सबसे अहम और एक चीज है, हम जो बिल्डिंग गिरेगी उसमें भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, और हम ये अश्योर कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट हमारा डैमेज नहीं होगा, इसलिए हम एक ब्लैक बॉक्स तैयार किए हैं। ट्विन टावर को गिराने से पहले पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रदूषण बोर्ड 6 मशीनें लगाकर एयर क्वालिटी को मापेगा। ट्विन टावर के चारों तरफ एंटी स्मॉग गन लगेंगी। धूल की सफाई के लिए 200 लोगों को लगाया जाएगा। नोएडा की पुलिस, प्रशासन, कई अस्पताल, फायर फाइटर सब एक्शन मोड में रहेंगे। लेकिन भूकंप आने पर कोई क्या कर सकता है? रिक्टर स्केल पर आने वाला एक तीव्रता का भूचाल कितना नुकसानदेह हो सकता है?
इसे भी जानिए ताकि ट्विन टावर के गिरने से जुड़ी भ्रांति का द एंड हो जाए। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा लगता है। यानी ट्विन टावर के गिरने से आने वाले भूकंप का एहसास भी किसी को नहीं होगा। इसलिए इंतजार करिए रविवार की दोपहर का, जब देश की निगाहें टिकी होंगी इन ट्विन टावर्स पर, जब अनहोनी की आशंका की बदली छटेगी, जुड़वा टावरों का वजूद मिटेगा, इनके मिट्टी में मिलते ही सारे कयास खुद ब खुद मिट जाएंगे। तो भ्रष्टाचार की नींव से तैयार की गई इस विशालकाय बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम एडवाइजरी यहां पर जारी कर दी गई है और ऐसे में 28 अगस्त यानी कि कल दोपहर 2:30 बजे ये बिल्डिंग जो कि भ्रष्टाचार के जरिए बनाई गई थी, इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से डिमोलिश्ड किया जाएगा। इसको लेकर अथॉरिटी प्रशासन की टीम पूरी तरीके से अलर्ट है। लोगों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि उस वक्त आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, यहां तक कि बालकनी या छत पर भी नहीं खड़ा होना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ कर कैसे हम नंबर 1 बने हैं। और आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी पहली पसंद बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक मर्डर मिस्ट्री जिसको लेकर सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, वो सारी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ पचास। पटना में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी, भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। किशनगंज में भी विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई, आरईओ विभाग के इंजीनियर के घर छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद। सोनाली फोगाट मौत केस में आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। सोनाली केस में गोवा के कार्लिस क्लब का मालिक गिरफ्तार किया गया, ड्रग्स लेने वाला करियर बॉय भी गिरफ्तार किया गया है, क्लब के बाथरूम से बरामद की गई थी ड्रग्स। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, प्रदर्शन के दौरान आदेश गुप्ता, मनोज तिवारी समेत कई नेताओं ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सभी राज्यों से बहुत आगे होगा। दिल्ली के झरोदा कला में सीएम अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रॉपर्टी स्कूल का उद्घाटन किया है। स्कूल में बच्चों को दी जाएगी मुफ्त शिक्षा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक शानदार सपना पूरा हुआ। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों का जायजा लिया, हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस उदय उमेश ललित, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। नोएडा में बने ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, टावर के आसपास 10 ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, हाई स्पीड कैमरा और कई स्पेशल ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। ट्विन टावर पहुंचे नोएडा के विधायक पंकज सिंह, तैयारियों का जायजा लिया, कहा ये काफी चैलेंजिंग काम है, उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से तबाही मची, पहाड़ों से पानी के साथ मलबा बहकर घरों में घुसा, स्कूल और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के फतेहपुर में बारिश की वजह से यमुना उफान पर है और जमकर तबाही मचा रही है, यमुना की बाढ़ से कई गांव तालाब में तब्दील हो गए हैं।
यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर बसे कई गांवों में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है और गंगा किनारे बसी कई कॉलोनियों तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। यूपी के बांदा जिले में यमुना समेत कई नदियां उफान पर है। केन नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाके बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। यूपी के हमीरपुर में हथनी कुंड और धौलपुर बांध में छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बेतवा नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। यूपी के इटावा में चंबल नदी के तेज बहाव में पुलिया टूट गई है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के घर से विधायक निकल चुके हैं, विधायकों से भरी बस निकली है। सीएम हेमंत सोरेन के घर से विधायक अब निकलना शुरू हो चुके हैं, 3 बसों में विधायक मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। झारखंड में जिस तरीके से सियासी फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छापेमारी के बाद लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों की बैठक, और अब जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से विधायक निकले हैं और भरी बस निकली है विधायकों से। तमाम वो विधायक उसी बस में मौजूद थे जो कि बैठक में मौजूद थे। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और बदले की ये कार्रवाई है, ऐसे में अब किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाया जाए, क्योंकि सिफारिश ईसी की तरफ से की गई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद यानी कि उनकी जो सदस्यता है विधानसभा की वो रद्द कर दी जाए, और ऐसे में कहीं ना कहीं संकट के बादल जो है उनकी कुर्सी पर मंडराते हुए नजर आ रहे थे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि जो बैठक बुलाई गई थी उनके आवास पर तमाम विधायक मौजूद थे, और ऐसे में अपने विधायकों को किस तरीके से एक साथ फिर से लाया जाए, किस तरीके से जवाब दिया जाए, इसको लेकर तमाम चर्चा होती हुई नजर आ रही थी। तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से हलचल वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर तमाम विधायकों का तांता जो है वो लगता हुआ नजर आया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि विधायक वहां से निकलना शुरू हो चुके हैं। एक बस में तमाम विधायक मौजूद थे, ये तस्वीर आप देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन पर लगातार कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं कि किस तरीके से अवैध खनन उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किया, और अब जो विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, तमाम विधायक जो कि उनके आवास पर मौजूद थे अब वो निकल चुके हैं। सभी विधायक एक बस में मौजूद थे। ये रांची से ग्राउंड तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ईडी की टीम की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। प्रेम प्रकाश जो कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जा रहे थे, उनके घर से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई, कारतूस बरामद किए गए, और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब जब राज्यपाल को सिफारिश भेजी गई ईसी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि अब उनकी जो कुर्सी है मुख्यमंत्री पद की वो खतरे में है, लेकिन अब विकल्प क्या कुछ हो सकते हैं इसको लेकर पार्टी जो है जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। राय मशवरा लगातार पार्टी में चलता हुआ और मंथन होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, सियासत किस तरीके से झारखंड में उबाल मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोशिश यही है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कुर्सी है वो किसी भी तरीके से चली जाए, ये बीजेपी हमला बोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कह रही है कि पद का लाभ किस तरीके से उठाया गया था, जनता के पैसे को हड़पा गया, लीज अवैध तरीके से ली गई तमाम माइनिंग्स की। और अब ये उस बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम विधायक मौजूद है JMM और कांग्रेस के, और ऐसे में गठबंधन सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, विधायकों को लेकर ये बस अब निकल चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर आपके सामने, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये नीली और पीली कलर की जो बस है, दरअसल इसी में विधायक बैठे हुए हेमंत सोरेन के, एक बड़ी बैठक जो है हेमंत सोरेन के घर पर चल रही थी, और यहाँ से अब निकलते हुए तमाम विधायक। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन देखिए, एक बार फिर से विधायकों को ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है झारखंड में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजनीतिक संकट अभी झारखंड में उत्पन्न हुई है, उसको लेकर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें JNM के विधायक, कांग्रेस के विधायक और RJD के विधायक आज बैठक में पहुंचे हैं, और सभी विधायकों की गाड़ी में
बैग और ट्रॉली बैग जो होता है कहीं ट्रेवल के लिए लोग लेकर जाता है वो सभी गाड़ियों में मौजूद है। इसके बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि इन सभी विधायकों को जो अभी सरकार में है इनको कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी है, कहीं और ले जाने की इनकी तैयारी है। लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इन सभी विधायकों को कहां लेकर जाया जाएगा, क्योंकि अब तक जो हेमंत सोरेन को लेकर बातें सामने आई थी उससे चुनाव आयोग का अब तक फैसला सामने नहीं आ पाया है। और जैसा कि सीधे तौर पर हेमंत सोरेन का भी ये कहना है कि अब तक चुनाव आयोग से और राजभवन से उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई लेटर नहीं आया है। तो ऐसे में कल भी इन सभी विधायकों की बैठक हुई थी और आज भी इन विधायकों की बैठक बुलाई गई है और ये सभी विधायक अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है और ये कयास लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इन सभी विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाए और जब वहां पर नए मुख्यमंत्री की जब शपथ ग्रहण की बात है तब इन सभी विधायकों को फिर से यहाँ पर लेकर आया जाए। लेकिन अब तक आयोग करार की बात तो सामने आ गई है लेकिन हेमंत सोरेन के पास अब तक इसकी जानकारी कोई नहीं पहुंची है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन ने कल भी अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की थी और आज भी मुख्यमंत्री आवास में विधायकों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद क्या डिसीजन सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि सरकार अपनी बचाने के लिए हर संभव प्रयास हेमंत सोरेन कर रहे हैं अभी। बिल्कुल चंद्रमोहन, बाड़ेबंदी अपने विधायकों की करनी शुरू कर दी गई है क्योंकि डर ये है कि कहीं विधायकों को ना तोड़ लिया जाए। ऐसे में अब पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और अब कहा जा रहा है कि इन विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात सोनाली की मर्डर मिस्ट्री की। जी हाँ, सोनाली फोगाट मामले में आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट से पुलिस को आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी मिली है। आरोपियों को अंजुना पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाया गया था। पुलिस ने सोनाली फोगाट मामले में उनके पीए सुधीर सांगवान समेत अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उधर सांगवान के परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, आरोपी सुधीर सांगवान 2019 से सोनाली फोगाट के साथ रह रहा था। सुखविंदर के परिजनों ने भी हालांकि उसे निर्दोष बताया है। तो सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि उनके स्टाफ मेंबर और पीए है। इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में जब पेशी हुई है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। ऐसे में अब तमाम एंगल से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कि क्या वाकई उसे ड्रग्स दिया गया था या फिर उसकी ये मौत थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई थी, क्योंकि भाई लगातार संगीन आरोप लगाते हुए पीए पर। दरमान से काम करे तो मर बेटे पाड़ फूड को काम करे तो कोई बड़े बेटे ही कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरा कोई किसने फंसाया उसे के करे उस मर बेटे साथी मैंने चाहू उस मेरे बेटो सुख शांति तो मेरा घर ही आ और मेरे बेटो कोई मेरे बेटे मैं कौन था मेरे बेटे के लिए न्यूकंदी भगवान मेरे बेटो गलत काम कर दे एक भी शीर नाट तो मेरा आ गया। वहाँ पे जो भी उन्होंने मानी है बात उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए। ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। उससे कल ही बात हुई थी, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई है मेरी सुखविंदर से। तो सोनाली फोगाट मामले की जांच कर रही पुलिस ने होटल के उस कमरे को भी सील कर दिया जिसमें वो रुकी हुई थी। सोनाली गोवा में होटल लियोनी ग्राउंड में रुकी हुई थी। इसके साथ ही गोवा के इसी होटल में सोनाली फोगाट की तबियत बिगड़ गई थी। न्यूज 18 की टीम होटल का कमरा सील होने से पहले ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची थी। अंजनू बीच के कर्लस पब के अंदर से हमारे संवाददाता विवेक की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ऐसे में हम गोवा के अंजनू बीच के कर्लस पब के बाहर हैं, जहां पर सोनाली फोगाट 22 तारीख की रात में अपने दोस्तों के साथ और अपने पीए सागवान और सुखविंदर के साथ यहां पर आई थी। और आने के बाद यहां पर उसे पुलिस ने खुलासा किया है कि यहां पर उसे जबरन ड्रग्स दिए गए थे, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। हम आपको उस जगह लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि कहां पर ये पूरी पार्टी चल रही थी और जहां पर सुखविंदर सागवान और सोनाली के साथ साथ मुंबई से भी कुछ दोस्त यहाँ पर आए थे। और दोस्त यहाँ पे जब पार्टी चल रही थी तो पुलिस ने खुलासा किया है कि सागवान और सुखविंदर ने
सोनाली को किसी लिक्विड में ड्रग्स मिलाकर दिए और जबरन देने की कोशिश कर रही थी। देखिए इस समय हम कर्लीज जो पब है उसके अंदर मौजूद हैं और जहां पर ये पार्टी चल रही थी वहां पर पुलिस ने उस पूरे जो फ्लोर है उसे सील कर दिया है। वो जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बड़ा पब है कर्लीज का और गोवा में ये काफी ज्यादा फेमस है कर्लीज पब, और यहीं पर उस दिन पार्टी चल रही थी और पार्टी चलने के दौरान ही सोनाली फोगट को जबरन ड्रग्स दिए गए थे जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सोनाली फोगाट मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा के कर्लीज क्लब के मालिक और ड्रग्स लाने वाले पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। क्लब के वॉशरूम से उन्होंने पुलिस दरअसल सिंथेटिक ड्रग्स को भी बरामद किया। इस मामले में गोवा पुलिस अब तक 25 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और इसमें कर्लीज क्लब के कर्मचारी और होटल के कर्मचारी भी शामिल है जिसमें सोनाली रुकी हुई थी, और ऐसे में इसी होटल को फिलहाल सील कर दिया गया है। लेकिन तमाम चीजों की अब जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। क्या वाकई सोनाली जब इस होटल के कमरे में रुकी तो फिर उसके साथ कोई बड़ी साजिश रची गई थी, क्या उसे ड्रग्स दिया गया था? क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें लग रहा है कि जिस तरीके से वो लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, तो ऐसे में पहले उसे ड्रग्स दिया गया और फिर उसे मौत के घाट उतारा गया। तो सोनाली फोगाट केस में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। तो बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मौत के मामले में पुलिस ने जो है उनके पीए सुधीर सांगवान और साथ ही उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन की पुलिस हिरासत में उनको कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की उनकी पुलिस हिरासत में भी उनको ले लिया है। लेकिन सुखविंदर का जो परिवार है उसे पुलिस की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका मानना यह है कि उनका जो परिवार का सदस्य है सुखविंदर वो बिल्कुल निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, इसलिए वो उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो सोनाली फोगाट का परिवार है उनका जो भाई है उनका साफ साफ कहना है, उन्हें कोई शक नहीं है, वो साफ कह रहे हैं कि ये हत्या है, ये मौत है ही नहीं, सोनाली फोगाट को मारा गया है और मारा है सुधीर सांगवान ने, उनके पीए ने। सोनाली फोगाट का कातिल कौन? सोनाली की मौत का सच क्या है? जांच से खुलेगा मौत का राज। सोनाली की मौत से पहले का वीडियो, ये तस्वीर 22 अगस्त की है, सोनाली फोगाट की मौत से कुछ घंटे पहले की। इस वीडियो में सोनाली फोगाट लड़खड़ाती नजर आई, ऐसा लगा कि सोनाली की तबीयत ठीक नहीं है। गोवा के एक होटल की इन तस्वीरों में कुछ लोग सोनाली को सहारा देकर ले जाते दिखे। इसके कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत की खबर आई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और स्टाफ मेंबर सुखविंदर शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात मान ली है। हालांकि सुखविंदर के परिवार वाले उसे निर्दोष बताकर हाई लेवल जांच की मांग कर रहे हैं। कोई बड़े बेटे ही कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरे को किसने फंसाया सा के करे उस मारे बेटे साथ ही मैं नहीं चाहू मेरे बेटो सुख शांति तो मेरा घर ही और मेरे बेटो। सुखविंदर की गिरफ्तारी के बाद से ही सुखविंदर के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका दावा है कि सुखविंदर का अपराध से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ऐसे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फंसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी वहाँ पे जो भी उन्होंने मानी है बात उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए, ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। सोनाली फोगाट मामले में नया सबूत, मौत से पहले सोनाली को दिए गए ड्रग्स, सोनाली के परिवार का हत्या का आरोप। इस बीच सोनाली फोगाट का गोवा में आखिरी वीडियो सामने आया जिसमें सोनाली के पीए सुधीर उन्हें सहारा देते नजर आए। गोवा के होटल के इस वीडियो के आधार पर सोनाली फोगाट के परिवार ने पीए सुधीर सांगवान पर
हत्या का आरोप लगाया है और सीसीटीवी फुटेज को मामले में एक बड़ा सबूत करार दिया है। बिल्कुल उसमें क्लियर है, वो उनको कुछ दिया गया है ऐसी चीज जिनसे उनको तो कोई होश ही नहीं है। जिस तरह उनके साथ में सुधीर सांगवान को दिखाया जा रहा है, दो अन्य भी हैं दिखाया जा रहा है, तो एक जिस तरह बेहोश टाइप के उस तरीके से उनको लेके जाया जा रहा है बाथरूम और टॉयलेट की तरह, और दो तीन घंटे तक उनको अंदर बंद रखा गया है ताकि वो वहीं पे। गोवा पुलिस का भी दावा है कि सोनाली को कुछ नशीला पदार्थ दिया गया, फिर बाथरूम में करीब 3 घंटे तक बंद रखा, जिससे सोनाली की मौत वहीं हो गई। फिलहाल गोवा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने दो और लड़कियों को पूछताछ के लिए बुलाने की बात कही है, जिससे इस केस का राज जल्द ही खुलने की उम्मीद लग रही है। तो पहले सोनाली फोगाट की मौत का जो मामला एक ओपन एंड शट केस लग रहा था कि उनको दिल का दौरा पड़ा अचानक और उनकी मौत हो गई, लेकिन इसमें जब परत दर परत खुली, थोड़ी सी जांच आगे बढ़ी तो कुछ अलग अलग एंगल सामने आने लगे। कभी ड्रग्स की बात सामने आई, फिर बात हुई कि उनकी जो कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट है उसमें उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले हैं। और इसी पर ही पूरी जानकारी जुटाने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं विवेक गुप्ता, वो गोवा पुलिस हेडक्वार्टर्स में जमे हुए हैं, पुलिस से एक एक जानकारी निकलवा रहे हैं। चलते हैं सीधा विवेक के पास। विवेक, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? और देखिए स्वाति, इस पूरे मामले में जब हमने गोवा पुलिस के आईजी ओमवीर विश्नोई से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 दिन की पुलिस कस्टडी काफी ज्यादा अहम है और इन 10 दिनों में वो आरोपी से पूछताछ करेंगे कि आखिरकार उन्होंने ड्रग्स कहां से मिले, ड्रग्स का जो क्वांटिटी वो कितनी थी, आखिर मौत की जो हत्याकांड के मोटिव क्या थे, क्योंकि पुलिस के बारे में कह रही है कि मोटिव लग रहा है कि पैसे और प्रॉपर्टी लेकर मोटिव हो सकता है। अपने दर्शकों को, लोगों को अब हम वो वीडियो दिखाना चाहेंगे, वो चौंकाने वाला वीडियो, सोनाली फोगाट की मौत से चंद घंटे पहले का वो वीडियो, जिसे देखकर पूरी की पूरी है जो ये कड़ी है, जो ये मौत का मामला है, वो एक हत्याकांड की तरफ अब जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस वीडियो में सोनाली फोगाट जो अपने पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर के साथ पहुंची थी गोवा में, पार्टी कर रही थी एक क्लब में, कर्लीज क्लब में, उसी क्लब से चंद घंटे पहले, उनकी मौत से चंद घंटे पहले वीडियो सामने आता है कि वहां पर वो लड़खड़ाती हुई नजर आती है। और यही वजह है जो इशारा करती है पुलिस की उस थ्योरी पर, जिसमें पुलिस दावा करती है कि सोनाली फोगाट को सुखविंदर सांगवान ने ड्रग्स दी थी। सोनाली की मौत का ड्रग्स कनेक्शन, मौत से ठीक पहले का वीडियो, दिल का दौरा या हत्या, सोनाली की मौत से चंद मिनट पहले ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में सोनाली की तबीयत काफी खराब दिखाई दी। सोनाली की हालत इस कदर खराब थी कि वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी, उनके पैर लड़खड़ाते दिखाई दिए, देखकर ऐसा लगा जैसे वो नशे में हो। यही नहीं, उस वीडियो में सोनाली को उनका पीए सुधीर सांगवान सहारा देकर कहीं ले जाता भी दिखाई दिया, जबकि उसका दोस्त सुखविंदर भी वहां खड़ा नजर आया। दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी वीडियो गोवा के उसी रेस्टोरेंट का है जहां देर रात सोनाली फोगाट ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ खाना खाया था। आरोप है कि खाना खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी और फिर कुछ ही घंटों के अंदर सोनाली की मौत हो गई थी। उस वक्त ये दावा किया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी, लेकिन एक रोज पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही पलट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिलने का जिक्र किया गया, उन पर किसी भारी चीज से हमला भी किया गया था। रिपोर्ट में उन्हें ड्रग्स देने की भी आशंका जताई गई। इसके बाद गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए फौरन सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। सोनाली को जबरन दिया गया ड्रग्स, करीब 2 घंटे वॉशरूम में बंद रखा गया। क्या ड्रग्स की वजह से गई सोनाली की जान? सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर से पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़े कई चौंकाने वाले राज उगल दिए
और गोवा पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सुधीर सांगवान और सुगंधन ने यह कबूल किया कि 22 अगस्त की रात को उन्होंने सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दिए थे। एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। पुलिस का यह भी कहना है कि ड्रग्स देने के बाद सोनाली की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद सुखविंदर और सुधीर उन्हें वॉशरूम में ले गए थे। मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बाद की बातें हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में दोनों एक्यूज एस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनको 302/34 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले का सच खंगालने में जुटी है। पुलिस परिवार के उन आरोपों की भी जांच कर रही है जिसमें सोनाली की मौत के पीछे प्रॉपर्टी को वजह बताया गया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि सोनाली की मौत के सच से पर्दा उठ सके।